बस आपका जो लाइट है वो सही हो जाएगा तो आपका भी बैकग्राउंड वीडियो जैसे कि सही हो जाएगा आपका भी बैकग्राउंड। हे दोस्तों, आप सबका जो आज ग्रीन स्क्रीन वाला प्रॉब्लम आता है वो आज दूर होने वाला है। जैसे कि आप लोग जब अपना बैकग्राउंड हटाते होंगे, रिमूव करते होंगे, तो आपका जो बैकग्राउंड होता है वो रिमूव नहीं होता है, आपका जो बैकग्राउंड के पीछे जो होता है वो शैडो आ जाता होगा और बैकग्राउंड आपका एकदम आराम से और क्लियरिटी तरीके से आपका जो बैकग्राउंड है रिमूव नहीं होता होगा। तो आप सबको आज बता ही देंगे कि आप अपना रिमूव कैसे कर सकते हैं बैकग्राउंड को, वो भी एकदम आसान तरीका से। और इस वीडियो में पूरा का पूरा क्लियरिटी से आपको बता वाले हैं कि क्या आपका जो उसमें नुकसान करता होगा और आपको क्या नहीं करना चाहिए कि आपका जो शैडो आए। तो आइए देख लेते हैं इस वीडियो में। और आप लोग मेरे चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर दीजिएगा ताकि मेरा वीडियो आपके पास पहुंचता रहे। तो चलिए दोस्तों, हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हम आपको बता देने वाले हैं, जैसे कि आपका जो लाइट होता होगा वो आपका, जैसे कि अगर आप आगे से लगाए हुए हैं तो आपका जो पीछे शैडो आता होगा, तो आप क्या कीजिए, अपना थोड़ा मेंटेन कीजिए, आप जो आप खड़े हैं उसके पीछे शैडो नहीं आना चाहिए। जैसे कि मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, आप मेरे पीछे देख सकते हैं जो कि वहाँ पे काला काला जैसे कि मेरे बगल में आता होगा। अगर इस तरह आपके पीछे आता है शैडो तो आपका जो बैकग्राउंड है रिमूव नहीं होगा। अगर रिमूव होता है तो आपके पीछे वहाँ पर भी काला काला आ जाएगा। अगर काला काला आ जाता है तो आपका जो बैकग्राउंड है रिमूव नहीं होगा और आपका जो बैकग्राउंड जो वीडियो है वो अच्छा नहीं लगेगा, वो उसका क्वालिटी जो है खराब हो जाएगा। तो आइए आज देख लेते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं जो यहाँ पे काला काला जैसे कि परछाई आ रहा है, अब मैं आप सबको इसको हटा कर दिखाऊंगा काइन मास्टर में चलकर और देखिएगा जो कि मेरे शरीर के बगल में जो कि काला काला जैसे कि शैडो आ जाएगा और वहाँ पे आप भी नहीं हटा सकते हैं, कुछ भी कर लीजिए नहीं हटेगा, जो कि आपका लाइट जो होता है उसी के इफेक्ट के कारण होता है। जी हाँ दोस्तों, और मैं आपको एक और वीडियो हटा कर दिखाऊंगा कि वो एकदम आराम से हट जाएगा, जो कि उसके पीछे कोई भी शैडो नहीं होगा, वो इसी के कारण वहाँ से हट जाएगा। तो आई होप दोस्तों मैं ऐसा करता हूँ समझते होंगे, अगर समझते हैं तो आप लोग इस वीडियो में शुरू से एंड तक बने रहिए, तभी आप सबको इसमें पूरा पता चलेगा। तो कैसे आप लोग अपने काइन मास्टर से अपना बैकग्राउंड रिमूव कर सकते हैं और वो भी एकदम आसान तरीका से। तो चलिए अब चलते हैं हमारे फोन पे, जैसे कि वहाँ पे चलकर देखते हैं और वहाँ पे काइन मास्टर को ओपन करके आपको बता देते हैं आप कैसे अपना बैकग्राउंड रिमूव कर सकते हैं। तो दोस्तों, जैसे कि आप देख पा रहे हैं जो कि हम अपने स्क्रीन पे आ चुके हैं और आप क्या कीजिए, अपने काइन मास्टर को यहाँ पे ओपन कीजिए और ओपन करने के बाद आप देख पा रहे हैं प्लस वाला आइकन दिख रहा है, इस पे क्लिक करना है और 16 ना का रेशियो यहाँ पे ले लेना है। और 16 ना का रेशियो लेने के बाद अभी देखिए आप यहाँ पे गया कीजिए, अपना एक वीडियो उठाइए और वीडियो को उठाने के बाद देखिए मैं क्या करता हूँ, एक वीडियो है मेरा, ये जो मेरा वीडियो है इसको थोड़ा मैं एडिट कर देता हूँ। एडिट करने के बाद फिर से मैं इसको एक्सपोर्ट करूंगा और एक्सपोर्ट करने के बाद फिर से मैं इसको क्या करूंगा, इसका जो बैकग्राउंड है इसको रिमूव करूंगा और आप लोगों को दिखा दूंगा कि कैसे बैकग्राउंड इसका रिमूव होता है, ठीक है। तो जैसे ही आप देख पा रहे हैं वहाँ पे मेरा वीडियो एक्सपोर्ट हो चुका है, उसके बाद से फिर से हम प्लस पे क्लिक करते हैं और 16 ना का रेशियो यहाँ पे ले लेते हैं। उसके बाद से जो आपको बैकग्राउंड लगाना है उसी बैकग्राउंड को यहाँ पर लाकर रख देना है। तो मैं करता क्या हूँ, अपना बैकग्राउंड यहाँ पे चूज करता हूँ। उसके बाद से चूज करने के बाद आप भी चाहें तो यहाँ से अपना बैकग्राउंड लगा के उसके बाद से लगाने के बाद देखिए मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे अपना वीडियो ले लेता हूँ, जो वीडियो को यहाँ पे जिस वीडियो का यहाँ पे बैकग्राउंड रिमूव करना है। और देखिएगा जैसे कि मैं क्रोमा की पे यहाँ पे क्लिक करता हूँ, उसके बाद से इसको इनेबल करता हूँ और यहाँ से क्या करता हूँ इसका कंट्रास्ट इसको सही करता हूँ, तो अभी देखेगा। तो दोस्तों, जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं यहाँ पे मेरा वीडियो जो है यह सही हो गया। जैसे कि आप यहाँ पे देखिए जो मेरा वीडियो का जो बैकग्राउंड वो एकदम आराम से और आसान तरीका से कट चुका है। तो आप भी चाहें तो इस तरह काट सकते हैं और सही कर सकते हैं, लेकिन आपको प्रॉब्लम होती क्या है, रुकिए आपको मैं बताता हूँ आपको प्रॉब्लम क्या होता है। देखिएगा जैसे कि मैं फिर से लेयर पे क्लिक करता हूँ, उसके बाद इसमें देखिए मैं इसको क्लिक करता हूँ, उसके बाद से अभी आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ आपको प्रॉब्लम होता क्या है। जैसे कि मैं क्या करता हूँ अभी यहाँ पे इसका बैकग्राउंड रिमूव करके आपको दिखा देता हूँ। तो आप देखिए जैसे कि आप यहाँ से अपना बैकग्राउंड रिमूव करते होंगे वैसे ही आपको यहाँ पे देखिए जो इसका पीछे इसका जो बैकग्राउंड है यहाँ पे देखिए पे जो इसका बैकग्राउंड है काला काला वो नहीं हटता होगा। जो आपको बैकग्राउंड दिख रहा है पीछे बैकग्राउंड में मेरे वीडियो के पीछे जो आपको दिख रहा है काला काला वो नहीं हटता होगा। तो आपको करना क्या पड़ेगा, अपनी लाइटिंग को सही करना पड़ेगा, जो आपका लाइट है उसको सही करना पड़ेगा, उसके बाद से आपका जो लाइट है वो सही हो जाएगा तो आपका भी बैकग्राउंड वीडियो जैसे कि सही हो जाएगा, आपका भी बैकग्राउंड में कोई भी यहाँ पे काला काला परछाई नहीं आएगा। तो आप भी सही कर सकते हैं और आप भी आराम से अपना वीडियो एडिट कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं ऐसा करता हूँ, आप सब समझ गए होंगे, अगर समझ गए हैं तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर दीजिएगा ताकि मेरा वीडियो आपके पास पहुंचता रहे। चलिए आज के लिए इतना ही, फिर से नेक्स्ट ढूंढते हैं। जय हिंद, जय भारत।